गुरु रूप गुरु खालसा साह सकत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सकत जी आप जी नूं भली प्रकार पता है कि जो अति साडे सत्कार योग सिंह साहिबान भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी रोडे सबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब भतीजे दमदमी टकसाल के 14वें मुखी संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले जो कि उन्हां वल्लों संगतां दे सहयोग दे नाल 2 दिसंबर तो लैके तकरीबन 2.5 महीनों तो इत्थे कुंडली बार्डर ते जो दिल्ली विखे मोर्चा लग्या होया काले कानूनां नूं रद्द करवाउण वास्ते गौरमेंट वल्लों मोर्चा जो ये लवाया गया है उन्हां वल्लों तो उस तहत सिंह साहिब जी वल्लों जिथे इंटरनेशनल पंथक दल दे बानी भी ने जिथे रैन बसेरा बनिया गुरु के लंगर चल रहे ने दवाइया के कैंप चल रहे ने उत्थे कई इतों गुरु के सिख सेवा वेख के सिंह साहब उत्साह वेख के प्रभावित हो के जिमें पुराने लंघे आने तो सिंह आए थे जो संत बाबा सतनाम सिंह जी वलिया वाले पंजाब धार्मिक विंग इंटरनेशनल पंथक दल इन्हों की प्रेरणा सदका एक सिंह ने कई ने जकारे छड़े इतों ही दाड़ी केस नहीं कदर करावे अज साडे कोल बड़ी साडे अति सत्कार योग ने भाई साहब भाई यादविंदर सिंह जी रोडे जो बराड़ जो उतों रोडे नगर के दिल्ली विखे रह रहे ने अज बाबा जी वालों प्रेरणा दी जो इतने ये भी नाल जिथे गुरबाणी की संथ्या दी जा रही ये भी प्रेरणा नौजवानों दी जा रही है जो सिंह साहब जिहड़े इतों सिंह साहब वालों जी सेवावां निभाईआं गईआं उन्हां तों प्रभावित हो के संत बाबा सतनाम सिंह जी वलिया उन्होंने बेनती आप ही वो बड़े प्रभावित होए कि अज तो गां असी दाड़ा केस कतल नहीं करावांगे असी रोडे नगर दे आ वो साडे वड्डे मास्टर जी हुंदे सी सिंह साहब जी साडा बड़ा प्यार है जो उन्होंने कहा अज तो ही केस दाड़ा नहीं कतल करावांगे अमृतधारी होवांगे। सो मैं सरदार यादविंदर सिंह जी बराड़ जी नूं बेनती करूँगा कि आप ही 2 लफ्ज़ ये कहन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं समूह सिख संगत तो माफ़ी मंगदा कि मैं पिंड रोडिया का यादविंदर सिंह बराड़ पुत्र सरदार हरनाम सिंह पोत्रा सरदार तारा सिंह पड़पोत्रा सरदार फौजा सिंह बराड़ का हो के अपने केस कतल करवा बैठा। उम्मीद करदा है भी मैनू समूह सिख संगत माफ़ी देगी तो गल ना लाऊगी। अज कुदरती मन किया भी चल के मोर्चा देखिए बस मन च भावना आई मन च इत्थे आया मैं तो देखिया भाई जसबीर सिंह होना दे टेंट दे अगे असी बैठे हैं भाई सज्जन सिंह जी संत बाबा सज्जन सिंह जी संत बाबा सतनाम सिंह जी वलिया वाले इत्थे सेवा निभा रहे सन दर्शन किते प्रभावित हो गए इन्ना मन किया चरनी ला के रोन नूं जी करदा रो रहा है अपनी पतित पुणे ते और वायदा करदा समूह सिख संगत ते मैनू माफ़ करना अज तो मेरे केस दाड़े नूं कैंची नहीं लगे। बोलो सो निहाल श्री अकाल। 2 हाथ जोड़ के समूह सिख संगत अगे बाबा सतनाम सिंह जी दे चरनी हाथ ला के बेनता करदा कि मैनू बख्श लैन और मैनू अपने सिंघां दे विच शामिल कर। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हुण मैं संत बाबा सतनाम सिंह वलिया वालियां नूं बेनती करूँगा कि सिंह साहब जी वल्लों जो ये सरदार यादविंदर सिंह जी बराड़ उन्हां दा सन्मान भी करन सन्मान करन तों बाद 2 बचन बाबा जी भी बोलणगे। चलो बोले सो निहाल। मैं बेनती करूँगा संत बाबा सतनाम सिंह जी वलिया वाले प्रधान धार्मिक विंग इंटरनेशनल पंथक दल ओ 2 बचन करन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ जिस तरह मेरे तो पहलों बाबा सज्जन सिंह जी ने आप जी नाल बचन सांझे किए ने अज बहुत ही मन खुश होया क्योंकि जदों विछड़े मिलते ने पंथ दे विच जदों विछड़े जिहड़े मिलते ने बड़ी खुशी हुंदी मन नूं ते ये हीरा उदों मिलिया सानूं क्योंकि हीरा मैं तां कहण डिया आ कि संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले उन्हां दे नगर तों यह सिंह आ क्योंकि सिंघां शामिल हो गए भाई यादविंदर सिंह जी जिन्हां ने सानूं अपनी सारी कहानी सुनाई
कि पिछले काफ़ी समय तो दिल्ली विखे रेंदे ने, क्योंकि जिथे रहिंदा बंदा उत्थों दा प्रभाव भी पै जांदा आ। इस करके अज जो दिल्ली विच मोर्चा चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, सिंह साहब जी दे नाल कहिंदे ने मेरी गल भी होई, सो उस नूं प्रमुख रखदे आ। इन्हां ने साढ़े जो इंटरनेशनल पंथक दल दे कैंप लगे ने, कैंप दे विच शिकरत की और साढ़े नाल विचार वटांदरा होया, गल्लां करदे आ, विचार वटांदरा करदे आ। इन्हां दा मन प्रभावित हो गया, इन्हां दा मन फिर सिख पंथ विच आउण नूं मन किया, वादा किया। सो मैं अपनी जथेबंदी वालों, सिंह साहब जी वालों, भाई जसवीर सिंह जी खालसा, सबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब, बानी इंटरनेशनल पंथक दल, दास बाबा सतनाम सिंह वलियां, धार्मिक विंग पंजाब प्रधान बाबा सज्जन सिंह जी, समूह सलाहकार पंजाब धार्मिक विंग ते जिला तरन तारण के प्रधान, मैं सारी जथेबंदी वालों आस करदा हाँ कि जो इन्होंने वादा किया आ सिख पंथ विच आउण दा, ये अपने वादे दे परिपक्व रहणगे। और इस तरह हरेक संगत नूं जो मैं बेनती करदा, जिहड़े पतलपुणे विच गए ने, इन्हों तो प्रेरणा लैके अपने घर विच शामिल होण, अपने घर विच वापसी करिए। सो मैं फिर दोबारा फिर बहुत धन्नवाद करदा सारी जथेबंदी वालों इन्हों का इत्थे आउण ते। जी आयां नूं कहिंदा आ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो निहाल सत श्री अकाल।